हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। एंड आज हम कटरा में, आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर और हम निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए वापस। रिटर्न जर्नी ट्रेन के अंदर मज़ा आएगा, बट यार मन नहीं कर रहा जाने का, दिक्कत ये है। रात को भी जब बाहर थे तो भवन का रास्ता देख, रात को हम 11:30 बजे तक बाहर थे, वहीं घूम रहे थे भवन के पास ही देख रहे थे, मतलब कुछ जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ से, है ना। और यार काफ़ी बारिश वारिश पड़ रही है, 3-4 दिन हो गए, सुबह भी बारिश हो रही थी, अभी मैंने बाहर जाकर देखा तब भी बारिश हो रही थी। ठीक है, फिलहाल अभी चल रहे हैं हम नाश्ता वाश्ता करने के लिए, तैयार हो चुके हैं, सामान वामान हमारा सारा पैक हो गया है, देख सकते हो उधर भी बैग रेडी है, बस ये जो है हटा देंगे उधर, जो क्लीन अप वाला होगा बंदा कर लेगा अपने आप। फिलहाल हम जा रहे हैं अभी नाश्ता करने के लिए, तो भाई देख सकते हो अभी तो बारिश रुक चुकी है और हम ये निकल आए हैं बाहर। अभी हमारे टांगे ठीक हैं, अगर हम सीधे चल गए दो लंगड़े सीधे हो गए, दवाई भी खाई थी। गाइस यात्री को चेक करो, मतलब रोड पर देखो कितने सारे यात्री आ रखे हैं, है ना, मस्त लग रहे हैं, चाय वाय पी लें, यहाँ पर सुबह सुबह भैया चाउमीन बना रहे हैं। चाउमीन नहीं खाऊंगा मैं, नहीं खाऊंगी अब, कुछ अच्छा अच्छा खाएंगे थोड़ा थोड़ा, चले चाय वाय पिए। अभी हम पियेंगे यहाँ पर चाय, मस्त लग रही है सुबह सुबह, मौसम भी अच्छा हो रहा है, वीडियो बनाओ तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार कोई देख रहा है। और छोटी छोटी, ये देखो छोटी छोटी गायें हैं यहाँ पे, पहाड़ों की गायें हैं ना, चल चल के टांगे छोटी। और यहाँ पर छोले भटूरे पराठे खूब दबा के बन रहे हैं भाई साहब सुबह सुबह, मैं खाऊँगा छोले भटूरे खाऊँगा सोच कर आया हूँ। तो यार ये हमारी कटरा की लास्ट चाय है, बहुत मिस करेंगे हम चाय को, है ना, और इस मॉर्निंग को भी। चलो अपनी चाय ख़त्म करते हैं फिर नाश्ता वास्ता करने का, घर जाने की एक्साइटमेंट है, दूसरी तरफ ये जगह से ना जाना का दुख, घर जाना भी ज़रूरी है, क्या करें। पहली बार भाई साहब दूध देखने को मिली यहाँ पे, दूध निकलाई है, मजाक समझ रहे हो क्या, ये देखो देखो परछाई देखो आ रही है ना, ओए इतना खाली खाली माहौल क्यों है यहाँ पे, छोले भटूरे कहाँ हैं, कहाँ छोले भटूरे, छोले भटूरे देखा इस पे, रात को हमने इसी पे खाना खाया था, खाना खाया था रसमलाई खाई थी, खाना तो हमने वहाँ पे खाया था पीछे। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर दिया है छोले भटूरे का, और ये बैठी बड़े गौर से वेट कर रही है छोले भटूरे का अपने, और ये कुछ रेस्टोरेंट है अंदर से, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है, आप भी आओ तो यहाँ पर मज़े से खाना वाना खाओ, मज़ा आएगा, यहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल है। देख रहे हो भाई साहब कितने बड़े बड़े छोले भटूरे हैं, मतलब कितने बड़े बड़े भटूरे हैं और छोले तो छोटे से हैं, देख रहे हो मेरे पूरे हाथ से ही बड़ा है, सोचो देखने में इतना टेस्टी, तो खाने में कितना टेस्टी होगा बिना प्याज लहसुन का, ज़बरदस्त। चल खा के बता कैसा, नहीं अब आप खा के बताओ मैं भी बनाऊंगा। अरे भैया इतना बड़ा है, एक पेट में खाऊंगा बस, हाँ खाओ तो सही, बहुत बढ़िया है, चटनी खा के देखो किसी की चटनी है, ये दही की लग रही है, अरे बड़ा जीती है, इसमें अचार भी है, अचार तो नीचे डाला हुआ है इसमें, अजीब ही है कुछ, आगे देख स्वाद नहीं पता चल रहा किसका है, रुको मैं खा के देखती हूँ, चलो आप छोले खाओ भटूरे खाओ, चलो भाई मिलते थोड़ी देर भाई 10 बज चुके हैं, निकलना अभी है 12 बजे, चेकआउट टाइम हमारा 12 बजे का, आ रहा मज़ा है, 10 बज रहे हैं, भैया घूमना कोई लोकल साइट की नहीं, भैया घूम लिए, यहाँ पर हर 5 मिनट में किसी को बताना पड़ रहा है
कि भैया हम घूम लेंगे, बोर्ड लगा लो गले में, ऐसा बढ़िया तो हमने देखो भाई साहब पहाड़ों का वेदर क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखो नया रास्ता भी दिख रहा है यहाँ से, है ना, ब्लू ब्लू लाइनें जा रही हैं पहाड़ों पे से, साफ दिखाई दे रहा है। ओए लेकिन तू जा कर रही है, चलो बिटर खाएगी क्या फिर, क्या हो गया? फिलहाल हम खाना पैक करवा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के खाएंगे, पनीर और लच्छा पराठा हमने पैक करवाया, नान हमने ले लिया था, अभी आपको दिखाया था हमने, इसलिए पनीर वहाँ पे कैंसिल करवा के बाहर से भगा दिया हमें, बताओ बिकॉज छोले भटूरे का टेस्ट था अच्छा नहीं था, हालांकि वो एक्सपेंसिव और अच्छा रेस्टोरेंट था, पसंद नहीं आया। तो इसको छोले भटूरे पसंद नहीं आया, और मुझे भी नहीं आया, मतलब जब शुरू शुरू में मैंने खाया था बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन 5 मिनट बाद ना टेस्ट अजीब सा हो गया। तो गाइस ये है भवानी भोजनालय, यहाँ से हमने अपना पनीर और लच्छा पराठा पैक करवा लिया है। अभी अगर ये पूछता ना मेरे से कि चलना है कहीं, मैं इसको अच्छा खासा जवाब देता, फिर साले बोर्ड ढांग के घूमेगा गले के अंदर। लो रोली मोली लो, कितने की है? 20 के। छोटी नहीं है इससे? और टीका भी लेना है? टीका तो हमने वो चंदन का लिया है ना, वो लगा दिया चंदन का टीका लगाई थी, रेड कलर का ही था। अच्छा रोली भी आपके पास? चलो। तो गाइस हमने ये अपने लिए किचन बनवाया है, ये देखो आप हमारा नाम लिखा जा रहा है, भैया नाम लिख रहे हैं हमारा। हाँ जी हाँ। और एक ये लिया हमने अपने घर के प्लेट के लिए, मेन गेट पर लगाएंगे इसको। तो गाइस ये रहा हमारा लॉकेट, अभी सूख रहा है किचन कस्टमाइज कराया। हाँ हो गया। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने वापस रूम पे, और फाइनली अभी बज रहे हैं 11, हमें 12:15 बजे चेकआउट करना है, क्योंकि 12 बजे हमारा टाइम जो है कंप्लीट हो जाएगा आज का, तो उससे पहले हम 15 मिनट पहले ही खाली कर देंगे। ओके गोरे चुटके होने का राज पता है क्या है? यहाँ का पानी देखो, मैं 2 दिन में इतने अच्छे से बाल इतने हेल्दी हेल्दी से लग रहे हैं ना, मतलब यहाँ का पानी मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ का एक पाइप खिंचवा दो दिल्ली तक जाएगा तो खिंचवा दो। वो भी खिंचवा देंगे, जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया मैं उस दिन ये पाइप भी खिंचवा दूंगा पर्वत से सीधा दिल्ली तक। क्या हो गया? खाना वाना हमने पैक कर लिया, ट्रेन में खा लेंगे हम, ट्रेन का खाना पता नहीं कैसा होता है कैसा नहीं होता, कितनी देर के लिए रुकेगी नहीं रुकेगी, बस का तो एटलीस्ट ये होता है कि रुक के हम खाना वाना खा के फिर निकल सकते हैं, बट ट्रेन में तो देखो यार मेरा पहली बार सफ़र है, पहली बार मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, और ये इसका तो मुझे पता नहीं। गई है पहले ट्रेन में? कब गई थी? बचपन में गई थी जब ये छोटी थी। तो गाइस 12 बज चुके हैं और हमारे निकलने का टाइम आ चुका है, अभी जस्ट मैं जाके बस ऑटो रिक्शा जो है ढूंढता हूँ जो हमको रेलवे स्टेशन के पास छोड़ेगा। हमारे इस होटल से रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है मैक्सिमम 1 किलोमीटर है, ठीक है, और सामान एक बारी बाहर हम रख देते हैं, पेमेंट मैंने कर दी यहाँ पे, सामान बाहर रख के मैं ऑटो ले आता हूँ, क्योंकि बैग और लगेज जो है काफ़ी भारी है, जिसकी वजह से हम कैरी करके बाहर नहीं घूम सकते रोड पे ना, अगर हमारे पास मैं अपनी खुद की गाड़ी लाया होता तो थोड़ा और घूम लेते, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे का टाइम है। चलो निकलते हैं और सीधा मिलते हैं आपको रेलवे स्टेशन पे, ठीक है? इसको दे, ये मैं अभी सुखा रहा हूँ, उसको उंगलियों में लेके जाऊँगा। उंगली में लेके जाएगी? हाँ। तूने क्यों निकाला वहाँ से? क्योंकि वो ऐसे हिलता ना तो ऐसे हो जाता, सूख जाता वो, नहीं सूखता है कुछ मिट जाता तो मैं सुखाऊंगा इसको, नहीं तो प्यारा बनाया मैंने। चलो ठीक है, मुंह से सुखा रही है, बताओ जरा क्या हो गया? सुखा रहा हूँ। मस्त लग रहा है। चलो क्या करें, क्या होगा, 12 बच्चों के हैं वैसे तो, चलो
तो गाइस फाइनली चेक आउट कर रहे हैं और यहाँ से लाइट पंखा सब बंद कर देते हैं और बाय बाय रूम चले चलो। बैग कर लेना आप हैं, और ये बैग रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में आ रहे हैं। नहीं इसमें वो है सामान है, चलो। तो गाइस ये लास्ट दर्शन कर लो, ये हमारी रेल यात्रा यहाँ से शुरू होगी वापस जाने की कटरा से दिल्ली। अभी हम यहाँ से एक आम पापड़ ले लेते हैं फिर चलते हैं, है ना। खाना वाना सब हो ही गया है और ले भी लिया है, चलो आम पापड़ ले लेते हैं।